हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्सटबुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से जीके और जीएस पे वार, जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड आफ्टरनून, और एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, शेयर कर देंगे इस सेशन के लिंक को, जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सके। मैं भी शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मतलब सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे वो सारे लोग जुड़ सके। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट दोस्तों आपके सामने ये रहा। देखिए, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। दोस्तों अगर लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेंथ को समझ जाइए। अगर आपने स्ट्रेंथ को समझ लिया, चाहे आप पे कोई विश्वास करे या ना करे, आप अगर अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल को जो है हासिल कर लेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग डेली मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। कब मिलते हैं? मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार, ठीक है, दोपहर को 2 से 3 बजे, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं जीके जीएस के सवाल फॉर एसएससी जीडी और दोस्तों सीजीएल के भी सवाल हम लोग इसमें करेंगे कवर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से एक बार यस टाइप कर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप लोग तैयार हैं पहले क्वेश्चन के लिए। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, यस टाइप करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे यस यस आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच बुद्धिस्ट लिटरेचर आर द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा इंक्लूडेड। कह रहे हैं गौतम बुद्ध की जो है शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध जो है ग्रंथ में किया गया है? अभिधम्मा पिताका, मिलिंद पनहु, विनय पिताका और सुत पिताका, किसमें किया गया है? जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड कृष्णा, अमरेश, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा सुत पिताका। देखिए, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि त्रिपिटाका जो है, त्रिपिटाका ये किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटाका, ठीक है, त्रिपिटाका किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि ये तीन पिताका कौन कौन से है, तो आपको ध्यान रखना है विनय पिताका, कौन सा पिताका? विनय पिताका, ठीक है, सुत पिताका, ठीक है, सुत पिताका और अभिधम्मा, क्या अभिधम्मा, ये भी आपको ध्यान रखना अभिधम्मा, ठीक है। अगर पूछेंगे सुत पिताका को कितने कैटेगरी बांटा गया, तो 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बुद्ध जी को जो है निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है एनलाइटमेंट, ठीक है, क्या होता है एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहां पर मिली थी? सभी लोग बताएंगे तो आप कहोगे गया में मिली थी। कहां पे गया? गया एक जगह है, कहां पर? बिहार में। कहां पर है? बिहार में है, ये ध्यान रखिएगा। कितने दिन में मिली थी ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 49 दिनों में। कितने? 49 जो है दिनों में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष के थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष के थे, ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी? तो ये 35 वर्ष के थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जब इन्होंने अपना पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश जो है वो कहां पर दिया था, ठीक है, एक सवाल यहां से बन जाएगा इंपॉर्टेंट, दूसरा यहां से, पहला उपदेश जो है वो कहां पर दिया था, तो आप कहोगे कि सारनाथ में। कहां पे? सारनाथ में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए जो उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था, ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में इन्होंने जो है दोस्तों क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था, ये याद रखेंगे। एक दोस्तों पूछा जाता है कि इन्होंने घर गृह त्यागी, ठीक है, गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब इन्होंने घर को कब त्यागा, तो 29 साल की उम्र में घर को त्यागा था। इसको कहा क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये आप लोग के CHSL में पूछा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, अगला सवाल। अच्छा देखिए, जो उपदेश दिया था इन्होंने उसको क्या कहा जाता है? अगर ये पूछ लिया जाए उपदेश को, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तना। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, लावनी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। कह रहे हैं लावनी जो है ये किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम और तमिलनाडु। सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे।
बहुत ही बढ़िया। जो लोग यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लावणी जो है दोस्तों बहुत ही फेमस डांस है कहाँ की, महाराष्ट्र की। उसके अलावा तमाशा नृत्य भी जो है बहुत फेमस है, तमाशा नृत्य भी जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो क्या है, मुंबई है। और मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, सपनों का शहर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सपनों का शहर, ठीक है, सपनों का शहर कहते हैं, ड्रीम सिटी कहते हैं, या इसी को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी कहते हैं भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो कौन है, तो आपको याद रखना है एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे जो है वो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है राज्यपाल, तो आप कहेंगे रमेश बैस हैं। कौन है, रमेश बैस जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का नववर्ष त्योहार किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, नववर्ष त्योहार जो है किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुड़ी पर्व को कहते हैं। किसको, गुड़ी पर्व को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे और दोस्तों एक पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में कि पोला फेस्टिवल, पोला त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है पोला त्योहार, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, द ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच प्रोड्यूसेस सैफ्रॉन इन इंडिया इज कॉल्ड, कह रहे हैं भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्या वो हिमाचल है, असम है, जम्मू है, या फिर मेघालय है। क्या होगा करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू की अगर हम बात करें, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य था, ठीक है, तो अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 2019 में बना था, ये ध्यान रखना। इसको पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया 2019 में। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है, तो आप क्या कहेंगे, मनोज सिन्हा जी है। कौन है, मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के क्या है, ये उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो सैफ्रॉन है, जिसको हम लोग केसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, केसर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सैफ्रॉन, ठीक है, इसको पहले भी GI टैग मिला हुआ था, ठीक है। GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक कहते हैं, इसको वापस से 2023 में रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है, 2023 में फिर से मिल गया है। GI टैग एक्चुअली 10 साल के लिए होता है, जब ये खत्म हो जाता है तो फिर वापस इसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो इस बार फिर से इसको जो है GI टैग मिल गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जम्मू कश्मीर जब बना था तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले उपराज्यपाल कौन थे ये आपको बताना है। क्या वो दोस्तों एमके माथुर थे या फिर कोई और था, ये आपको बताना है होमवर्क नंबर वन में, ठीक है, होमवर्क नंबर वन कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, जीसी मुर्मू थे, आरके माथुर थे या फिर कोई और थे, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, देखिए, एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट आर फायर अल्टर फाउंड, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर अल्टर मिले हैं, क्या वो कालीबंगन में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, या फिर राखीगढ़ी में, कहां पे पाए गए थे, फटाफट से बताइए। यहाँ पे देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए सर, आरके माथुर कह रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों होमवर्क है इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कालीबंगन। अगर कालीबंगन की मैं बात करता हूं तो ये आपको प्रेजेंट में कहां पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में कालीबंगन में दोस्तों यह जो है फायर अल्टर तो मिले ही थे, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यज्ञ वेदी तो मिले, उसके साथ साथ काली चूड़ियां, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स आप लोग से पूछा जाता है कि बताइए काली चूड़िया जो है ये कहां पर मिली थी, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्लैक बैंगल्स, तो वो भी आप क्या कहेंगे कि कालीबंगन में, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, ये जो शब्द है इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता, ये शब्द जो है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा,
जॉन मार्शल के द्वारा ये शब्द दिया गया था। कई बार ये पूछा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों क्या हो गया, ये उत्तर भारत हो गया, ठीक है, ये पूर्व भारत हो गया, ठीक है, ये दोस्तों एक कौन सा हो गया, दक्षिण भारत हो गया और ये पश्चिम भारत हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिम भारत। देखिए उत्तर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर तक फैली थी, कहां तक? मांडा तक। कहां तक फैली थी? मांडा तक फैली थी, ठीक है, याद रखना है। पूरब में जो है उत्तर प्रदेश तक, कहां तक? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां तक? तो आप कहोगे आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर, ठीक है, गिरपुर, ठीक है, याद रखिएगा आलमगीरपुर तक। और देखिए दक्षिण में कहां तक? महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में कहां तक फैली हुई थी? तो आप कहोगे दैमाबाद। कहां तक? दैमाबाद तक फैली हुई थी। और अगर पूछेंगे पश्चिम में तो सुतकेंदौर। क्या? सुतकेंदौर, ठीक है, सुतकेंदौर तक फैली हुई थी। यह आपको ध्यान रखना, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने में मिलता है। अगर पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है दोस्तों नक्शा देखा जाए, शेप देखा जाए, ठीक है, शेप अगर पूछ लिया जाए कि नक्शा कैसा था, तो आप नक्शा कैसे कहेंगे? नक्शा कैसा था? तो वो त्रिकोण शेप का था। किस शेप का? त्रिकोण शेप का था, ट्रायंगुलर शेप का था, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसकी दो जो साइड से बहुत फेमस है, एक तो राखीगढ़ी। कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्यों फेमस है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राखीगढ़ी आपसे पूछा जाता है कि राखीगढ़ी क्यों फेमस है, तो राखीगढ़ी जो है दोस्तों हरियाणा में है, सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए, हरियाणा में है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी जो है साइट है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी साइट है भारत में जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। अब धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसको 2021 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया था, और हमारे यहाँ यूनेस्को साइट टोटल जो है 40 है 2021 में दोस्तों। धोलावीरा और जो है दोस्तों रमप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर, उसको दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन, कह रहे भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को जो है डैश में समर्पित किया गया, क्या वो जोहरत, गुवाहाटी, जमशेदपुर और रांची? क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से सभी लोग बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी से। यहां पे कह रहे सर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, जोरहत जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोरहत, ठीक है। हाँ, टू जो है दोस्तों, अभी जो है दोस्तों होयसाला मंदिर को भी दिया गया, तो उसको भी आप काम कर सकते हो। और यूनेस्को का भी दोस्तों आपको पता होगा 2023 में गरबा नृत्य को भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा जोरहत, जोरहत याद रखेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन, क्या होती है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। और दोस्तों वाटर वेपर, क्या होता है? वाटर वेपर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट ऑफ इंडिया, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? रौलत, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन या फिर क्विट इंडिया? रौलत, सविनावज्ञा, असहयोग या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? गांधी इरविन पैक्ट किससे संबंधित था? जल्दी जल्दी से यहां पे बताएंगे। कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। क्या हो जाएगा? सिविल डिसोबीडियंस करेक्ट आंसर होगा। सिविल डिसोबीडियंस हुआ कब था? तो ये याद रखिएगा 1930 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा डांडी मार्च भी आपसे पूछा जाता है कि डांडी मार्च कब हुआ था, तो डांडी मार्च आपको ध्यान रखना है, डांडी मार्च भी 1930 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए 1930 के समय में ही दूसरी गोलमेज सम्मेलन भी हुई थी, क्या हुई थी? दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन। फिर आपसे पूछेंगे कि गांधी इरविन जो समझौता था इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था?
पूना समझौता जो है ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये 1932 में हुआ था, 1932 में पूना समझौता हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पे बी आर अंबेडकर लिख देता हूं, बी आर अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, ठीक है, और गांधी जी के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूना समझौता अलग है, दिल्ली समझौता अलग है। 160 लोग लाइव है, फटाफट से लाइव को शेयर कर दें, दोस्तों की तरफ लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चीता हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एज इट्स फीचर द परफेक्ट ग्रासलैंड हैबिटेट। कह रहे हैं कि चीते को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र उद्यान में फिर से शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें घास के मैदानों का आदर्श निवास स्थान है। क्या वो पेरियार नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, और केवलादेव नेशनल पार्क है। क्या होगा करेक्ट आंसर? कह रहे सर कुन्नो कुन्नो होना चाहिए, तो जो लोग कुन्नो कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुन्नो राष्ट्र उद्यान जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पेरियार राष्ट्र उद्यान कहां पर मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और केवलादेव राष्ट्र उद्यान जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों दो जो है अभ्यारण को क्या किया गया है, विलय कर दिया गया है, दो अभ्यारण को जो है विलय कर दिया गया है, ठीक है, मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है दोस्तों क्या बना दिया गया है, चीता अभ्यारण, बाघ अभ्यारण बना दिया गया, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण बना दिया गया है। वो दो अभ्यारण कौन से हैं, ये 2023 का करंट अफेयर का न्यूज है, जल्दी जल्दी से बताइए। दो अभ्यारण को विलय किया गया है, और सबसे बड़ा जो है दोस्तों बाघ अभ्यारण बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो दो अभ्यारण थे वो कौन कौन से थे, फटाफट से, एक तो रानी दुर्गावती, कौन सा, रानी दुर्गावती, दूसरा कौन सा था, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए दूसरा कौन सा था यहाँ पे। हाँ बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, नौरा देही और रानी दुर्गावती, कौन सा, नौरा देही, ठीक है, नौरा देही और रानी दुर्गावती, इन दोनों जो है अभ्यारण को जो है विलय किया गया, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण है इसको बना दिया गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्र उद्यान है, सबसे ज्यादा राष्ट्र उद्यान है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, लगभग 12 और जो है राष्ट्र उद्यान आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, यहां पे कह रहे हैं पॉपुलर प्लेबैक सिंगर डैश हैज पास्ड अवे इन मई 2022, ठीक है। देखिए लोकप्रिय जो है पार्श्व गायक डैश का मई 2022 में निधन हो गया है, किसका, कृष्ण कुमार कुन्नत, जो है अमीर बाई कर्नाटकी, या फिर अमूर्त सुरेश, या अभिरमी सुरेश, किसकी मृत्यु हो गई थी, ये दोस्तों करेक्ट अफेयर का है, जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर वन कह रहे हैं कृष्ण कुमार कुन्नत, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए और निधन की अगर मैं बात करता हूं, जो इंपॉर्टेंट निधन है आपको वो भी याद रखने, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होगा पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला देखिए न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की, वो कौन थी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताएंगे, जस्टिस एम फातिमा बीवी, एम, ठीक है, फातिमा बीवी, ठीक है, इनका जो है दोस्तों निधन हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, हरित क्रांति के पितामह, हरित क्रांति के जो पितामह कहलाते हैं, कौन, हरित क्रांति के पितामह मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनका भी निधन हो गया है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है जो पर्सन इन न्यूज में रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़े, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है, यहां पूछ रहे हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905, निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश वाइसरॉय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड लिटन, हार्डिंगे, कर्जन और इरविन, सभी लोग बताइए फटाफट से,
यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग कह रहे हैं कर्जन कर्जन, वेरी गुड शिप्रा, बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की बात की गई थी, किसकी बात की गई थी, बंगाल को विभाजित करने की बात की गई थी। ठीक है, और इसी का विरोध करने के लिए, इसी का विरोध करने के लिए हमने किसकी शुरुआत की थी, शुरुआत की थी स्वदेशी मूवमेंट की। ठीक है, किसकी शुरुआत की थी, स्वदेशी, जस्ट अ मिनट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, ये याद रखेंगे। और ये आपसे पूछा भी गया है कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था, 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1905 को हुआ था। और इसलिए हर साल 7 अप्रैल को जो है राष्ट्र, क्या, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे। क्या कहते हैं, नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, नेशनल हैंडलूम डे। अच्छा, बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया था बाद में, ठीक है, और 1905 में ही जो है दोस्तों राष्ट्रीय राष्ट्रीय, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोगों ने कल बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले वही व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि स्वतंत्रता भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, क्या ये 1928, 31, 45 और 46, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएंगे। 1931, 31 कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1931। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सभी लोग बताइए किसने प्रिसाइड किया था, सभी लोग फटाफट से बताएंगे, Who presided the INC in 1931? 1931 में किसने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, फटाफट से जल्दी जल्दी से दोस्तों, और 200 के ऊपर लाइव लेके चलते हैं और फाइट मारते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे किसने कहा है, सरदार पटेल जी ने, भनिता बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रगल बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड राज पटेल। तो कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और सरदार का इनको दोस्तों उपाधि जो है ये किसने दी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई, तो महिलाओं के द्वारा दी गई थी, जो महिलाओं के द्वारा जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट किया था, किसमें, बारडोली सत्याग्रह में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष, क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको भारत का बिस्मारक भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, भारत की बिस्मार्क, ठीक है, भारत के बिस्मार्क भी कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं को दोस्तों ध्यान रखते हुए जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है, एकता की मूर्ति दोस्तों, सबसे बड़ी एकता की मूर्ति, ठीक है, सबसे बड़ी एकता की मूर्ति कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट जो है 182 मीटर है, कौन से गांव में है, केवड़िया, कौन से गांव में, केवड़िया गांव में, गुजरात में, कहां पे, गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन बढ़े, चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं, वेरी गुड स्ट्रगल शिप्रा, मंगेश, संदीप, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए रहा, देखिए, कह रहे द लार्जेस्ट हाइम ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है किस वैदिक देवता को समर्पित है, अग्नि, इंद्र, वरुण और आदित्य, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे रियासतों को मिलाया था, बहुत बढ़िया कृष्णा जी, प्रगति बहुत ही वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो लोग यहाँ पे कह रहे इंद्रदेव, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जो है, सबसे पुराना वेद, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, 10 मंडल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 10 मंडल, 1028 जो है इसमें प्रार्थनाएं मिलती है, क्या मिलती है, प्रार्थना, या फिर कहेंगे
भजन है इसमें, ठीक है, और 10,600 इसमें आपको क्या मिलेंगे, छंद देखने को मिलेंगे। देखिए गायत्री मंत्र अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र जो है ये कहां से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से मंडल से लिया गया है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो वासुमित्र ने लिखा है, ठीक है, सॉरी विश्वामित्र ने लिखा है, तो क्या कहेंगे, विश्वामित्र ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है किसने लिखा है, तो विश्वामित्र जी के द्वारा ये लिखा गया है। फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए नदी सूक्ता जो है, ठीक है, नदी सूक्ता वो दोस्तों ऋग्वेद में कौन से मंडल में मेंशन है, तो नदी सूक्ता जो है ये आपको दसवें मंडल में मिलेगी, किसमें, दसवें मंडल में मिलेगी, जिसमें दोस्तों नदियों के पुराने नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, पुराना और बड़ा वेद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल, कह रहे मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से, निम्नलिखित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, किसमें, 24, 51, 36 और 41, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 185 लोग हैं, फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। जी हाँ, जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि होना चाहिए 51 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड अमरेश, शक्ति, सृष्टि, पीयूष, बहुत ही बढ़िया, सम्राट अशोक, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर 51। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की, किसकी बात कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी समिति ने जो है दोस्तों रिकमेंड की थी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के लिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है, स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि ये किस भाग में है, तो आपको भाग याद रखना है, भाग जो है ये 4 का में है, किसमें, का या फिर कहेंगे 4A में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो अभी आप लोगों ने आंसर कर दिया, इसका अनुच्छेद जो है वो किसमें है, 51 का में है या फिर कहेंगे A में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछेगा किस संशोधन से इसको जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो संशोधन याद रखिएगा 42वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा, 42वां संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब जोड़ा गया था, तो 1976 में, और जब जोड़ा गया था तब उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ा गया, और ये सर जो है दोस्तों कब जोड़ा गया था ये पूछ लिया जाता है, तो 2002 में, कब, 2002 में जोड़ा गया था, और ये जो है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद लेकर आया था, या फिर कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था, तो अनुच्छेद 51A का थे, ठीक है, तब जाकर क्या हो गए थे यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। मौलिक जो है कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ दीज ग्रुप हैज रेडियल सिमेट्री, इनमें से किस समूह की समिति जो है आरी है, क्या वो पॉरीफेरा, एनिलीडा, नाइडेरिया, पोलेंट्रेटा या फिर प्लेटी हेलमेंथिसिस, किसका होगा करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं अनुष्का, ठीक है, रजनी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, जिन लोग यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, नाइडेरिया और पोलेंट्रेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्या, नाइडेरिया और पोलेंट्रेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, पादप जगत का उभयचर, ठीक है, उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं, किसको, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से होने वाली जो है रोग नहीं है, रिकेट, फ्लोरोसिस, स्कर्वी और नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें तो आप आसानी से एलिमिनेशन लगा सकते हो, मान लीजिए इसका आंसर हमें नहीं भी पता है कि किस विटामिन से जो है कौन सी बीमारी नहीं होती है, ये बोला है, तो देखिए सीधी सी बात है, हमें ये तो पता है रिकेट जो है ये विटामिन किससे होती है, विटामिन ए की वजह से होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकेट कहते हैं, सॉरी विटामिन डी से होती है, राइट, विटामिन डी से होती है, विटामिन डी से रिकेट, ठीक है। स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, किसकी, विटामिन सी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन किसकी कमी से होती है, ये विटामिन ए की कमी से होती है, किसकी, ए की कमी से। अब बचा एक चीज जो है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस जो है ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये फ्लोर किसकी वजह से होता है,
फ्लोरीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की वजह से होता है, फ्लोरोसिस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी को जो है आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा कि रासायनिक जो है इसका नाम क्या कहलाता है विटामिन डी का, तो आप लोग क्या कहोगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे एस्कॉर्बिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तो ये सब दोस्तों विटामिन की कमी के कारण होता है, सिर्फ फ्लोरेसिस नहीं होता है। एक दोस्तों एग्जाम में आपके पूछा गया था जेरोप्थैल्मिया। क्या पूछा गया था? जेरोप्थैल्मिया, ये जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि जो आंख होती है ना, आंख उसमें दोस्तों सूखापन आने लगता है, जेरोप्थैल्मिया याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है ये किसकी कमी से होती है, तो ये विटामिन B12 की कमी से होती है। किसके? विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, एक ये पूछा जा चुका है। एक पूछा गया है प्लेगरा। ठीक है, पहले यहाँ पे प्लेगरा जो है ये किससे जो है दोस्तों कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, विटामिन B3, B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबलामीन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबलामीन, साइनोकोबलामीन कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। देखिए निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक जो कार्य है वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन। क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहां पे जल्दी जल्दी से। यहां पे करेक्ट आंसर, जी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं मनी से, हम लोग क्या करते हैं विनिमय का माध्यम, मतलब एक्सचेंज का माध्यम इसको यूज करते हैं, मीडियम ऐसा मीडियम यूज करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, 200 लोग लाइव हैं, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए जल्दी जल्दी से चलेंगे। ठीक है, हाँ जी चलिए अगला सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which place in the southern slopes the Khasi's hill receives an average of 12,000 mm of rainfall per year? कह रहे खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर जो है प्रति वर्ष औसतन जो है 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है? मिलिम, मैरंग, मौसनराम और नोंगस्टोई। क्या होगा, कहां पर होती है इतनी वर्षा, जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर कह सर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो जो लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं मौसनराम उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, अगर की बात करें सिर्फ विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कहां पर होती है, तो वो होती है दोस्तों कहां पे, मौसनराम। मौसनराम कहां पर है, तो ये मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में है। मेघालय की अगर हम बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, ये याद रखेंगे। और यहाँ के अगर राज्यपाल पूछ लिए जाए, गवर्नर पूछ लिए जाए, वो कौन है, तो आप कहेंगे फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आपसे देखिए पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं, तो गारो जयंतिया। कौन सी? गारो जयंतिया और खासी, ये पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी मेघालय में। मेघालय में ही आपको जो है और क्या मिलेगा, राष्ट्र उद्यान मिलेंगे। ठीक है, कौन से राष्ट्र उद्यान मिलेंगे ये पूछ लिया जाता है, राष्ट्र उद्यान कौन से मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है नोकरेक। ठीक है, कौन सा? नोकरेक और बालपक्रम। कौन सा? बालपक्रम। ठीक है, बालपक्रम जो है यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और मेघालय का आपसे पूछा गया था फसल उत्सव किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया कि मेघालय का फसल उत्सव किस उत्सव को कहते हैं, तो वांगला उत्सव को कहते हैं। किसको? वांगला उत्सव को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा अभी दोस्तों आज ही की न्यूज है 2023, मैं बात कर रहा हूं किस 11 दिसंबर की। ठीक है, अभी आज ही हम लोग ने पढ़ा था कि मिजोरम के जो है नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, फटाफट से मुझे बताइए मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं।
जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। यस, बांग्ला जो है दोस्तों ये फसल उत्सव है यहाँ पे, बिल्कुल लाउधोमा, वेरी गुड, यहाँ पे लाउधोमा, वेरी गुड, पू लाउधोमा, क्या नाम है इनका, पू लाउधोमा, लाउधोमा, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना तेलंगाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये भी दोस्तों अभी हाल ही की न्यूज है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कौन है, रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डेस्पाल्ड अवे ऑन 4 सितंबर 2022, कह रहे हैं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और जो है उद्योगपति डैश का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया, जो है रतन टाटा या फिर नटराजन चंद्रशेखरन, नौरीजी जो है सकलतवाला और साइरस मिस्त्री, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, 4 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे, कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 23 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर, किस दिन मनाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वेरी गुड, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और जी हाँ, जो लोग अभी दोस्तों टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारे जो है पीडीएफ मिलते हैं, यूट्यूब क्लास के जो है दोस्तों अपडेट्स मिलते हैं, @GauravSirTextbook आपको सर्च कर लेना है, ठीक है, और जुड़ जाना है वहां पे। हाँ जी, यहाँ पे 2 अक्टूबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस। आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्या अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय हम बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय बात नहीं कर रहे हैं, तो गलती ना करिएगा, 5 अक्टूबर हो जाएगा, 5 अक्टूबर। अगर आपसे कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था हेल्थ डे, ठीक है, हेल्थ डे पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ डे, तो हेल्थ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कह रहे हु स्टार्टेड दारुल उलूम इन देवबंद उत्तर प्रदेश, कह रहे उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम जो है शुरुआत किसने की थी, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद कासिम ने शुरू किया था, किसने किया था, ठीक है, यहां पे कह रहे सर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, चलिए जिन लोगों ने जल्दी जल्दी से, हाँ जी करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद कासिम जो है ननवती जो है उन्होंने शुरुआत की थी दारुल उलूम की, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों अभी न्यूज में था क्योंकि 2023 में जो है भौगोलिक संकेतक, क्या भौगोलिक संकेतक किसको दिया गया है, तो भौगोलिक संकेतक याद रखिएगा वो दिया गया है बनारसी पान को, किसको, बनारसी पान को दिया गया है, और लंगड़ा आम को दिया गया है, किसको, लंगड़ा आम को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अच्छा अभी हाल ही में दोस्तों 2023 का ही एक और न्यूज है, सबसे सुरक्षित शहर किसे बताया गया है, सुरक्षित शहर जो है ये किस शहर को बताया गया है, तो ये कोलकाता को बताया गया है, किसको, कोलकाता, और कोलकाता जो है ये कंटिन्यूसली तीसरी बार जो है सेफेस्ट सिटी के रूप में उभरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, Who were the first king to issue the largest hoard of gold coin in India? कह रहे हैं भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, क्या वो मौर्यास थे, इंडो ग्रीक थे, गुप्तास थे या फिर कुषाण थे, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुषाण। देखिए कुषाण की बात करें तो दोस्तों ये बाहर से आए हुए थे, ठीक है, ये हमारे भारत में नहीं थे, ये पहले बाहर से आए थे, ये कुषाण के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, जल्दी से बताइए, कनिष्क, क्या नाम था, कनिष्क, और उन्होंने जो है चौथी बौद्ध सभा कराई थी, क्या कराई थी, चौथी बौद्ध सभा कराई थी, ये ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध सभा,
और चौथी बौद्ध सभा जो है वो कब हुई थी, तो 72 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडावलम में। कहां पे? कुंडावलम, जो कि आपको कहां पर मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, जे एंड के में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल में, देखिए गुप्ता के काल में जो है कौन से सिक्कों को क्या कहा जाता था, जैसे पूछेंगे कि स्वर्ण के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहते थे, उनको कहा जाता था दिनार। ठीक है, क्या कहते थे? दिनार कहते थे। जो दोस्तों यहाँ पे पूछेंगे कि रजत जो सिक्के होते थे, रजत सिक्के, उनको क्या कहते थे दोस्तों? रूपाका। क्या कहते थे? रूपाका कहा जाता था। और जो कांस्य के सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको मशक कहते थे। क्या कहते थे? मशक कहते थे। ये याद रखना है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए तनका और जित्तल जो सिक्के थे, तनका और याद रखिएगा, तनका और जित्तल, तनका और जित्तल जो है ये किसने शुरुआत की थी? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। यहाँ कहते थे लीवर इज एन ऑर्गन एसोसिएटेड विद डैश इन द बॉडी, करे यकृत शरीर में डैश से संबंधित एक अंग है। किससे संबंधित है? स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। किससे संबंधित है हमारा यकृत? ठीक है, यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, पिछले का इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लीवर। ठीक है, लीवर जो है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। और ये दोस्तों एक हार्मोन रिलीज करता है, सॉरी ये जो है बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। किसका? बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? लीवर करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछ लेंगे कि ठीक है हाँ, यहाँ पे इंसुलिन कहाँ पे फॉर्म होता है? क्या इंसुलिन जो है इसका जो है फॉर्मेशन, इंसुलिन का ये कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है पैंक्रियाज में। कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज में होता है। पैंक्रियाज में एक होती है बीटा सेल, वो जो है दोस्तों फॉर्मेशन करती है किसका? इंसुलिन का। अगर इंसुलिन की जो है दोस्तों शरीर में कमी हो जाती है, कमी हो जाए तो क्या होगा? तो कमी हो जाएगी तो मधुमेह हो जाने के चांसेस हो जाते हैं, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है सभी लोग, अच्छा दोस्तों डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइए मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएंगे कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। 220 लोग लाइव है, फटाफट से एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर 14 नवंबर कह रहे हैं शक्ति, ओके। प्रियांशी कह रहे हैं सर 14 नवंबर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। पीयूष, बनिता, संगीता, ओशियन, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होगा 14 नवंबर। कैसे याद किया था हम लोग ने 14 नवंबर को? देखिए 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपको पता है चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए मनाया जाता है इस दिवस को। और वो दोस्तों क्या करते थे? बच्चों को चॉकलेट देते थे, और जब बच्चों को चॉकलेट दोगे तो क्या हो जाएगा? तो जो है शुगर होने के चांसेस होंगे। तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस और उसी दिन जो है मधुमेह दिवस। ठीक है, Which of the following tissue provides tensile strength against bending and swaying? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने और हिलने के विरुद्ध जो है तन्य क्षमता प्रदान करता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। आपने देखा होगा जो है दोस्तों पादप जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखोगे बड़े लचीले होते हैं। वो लचीले किस वजह से होते हैं वो आपको बताना है। बी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई कोलेन्काइमा। बी ऑप्शन जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है ये किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब है कि प्लांट सेल वॉल होता है, तो ठीक है ये पादप में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? सेल वॉल, तो वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है ये कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता है पत्तियों में। कहाँ पर होता है? तो पत्तियों में होता है। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो सब लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, और ग्रीन पिगमेंट में मौजूद होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम, जिसकी वजह से जो है पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग बिल्ट द राजेश्वर राजा राजेश्वर मंदिर ऑफ तंजोर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने जो है तंजोर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? क्या वो राजेंद्र चोल तृतीय ने, राजधिराज चोल ने, राजराज चोल ने या फिर विक्रम चोल ने? किसने किया था फटाफट बताइए, और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, यहां भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर होना चाहिए 3, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बृद्धेश्वर मंदिर भी आपको लिख के दे सकते हैं क्या, बृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। बृद्धेश्वर मंदिर जो है इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। कहां पे? थंजोर जो है, थंजोर कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, आपसे कई बार पूछा गया है कि भाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, लास्ट SSC के एग्जाम में ही पूछा गया था मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, MK स्टालिन। और वहां के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अगर पूछ लिया जाएगा तो संस्थापक थे कौन? विजयालया। कौन? विजयालया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए। देखिए, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कह रहे सिंधु दर्शन जो है त्योहार डैश में मनाया जाता है, क्या वो धर्मशाला में, कुल्लू में, मनाली में या फिर लद्दाख में? कहां पे मनाते हैं सिंधु दर्शन जो है उत्सव या फिर त्योहार? जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा लद्दाख। देखिए, अगर आपसे हेमिस त्योहार पूछ ले, हेमिस त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी जो है त्योहार ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख दोस्तों एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? प्रेसिडेंट। वर्तमान में उपराज्यपाल जो है लद्दाख के वो कौन है? तो आप कहोगे BD मिश्रा जी है। कौन है? BD मिश्रा जी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अच्छा, एक होमवर्क आप लिख लीजिए, 2023 में लेटेस्ट अभी दोस्तों एक GI टैग दिया गया है प्रोडक्ट को, कहाँ पे? लद्दाख के। वो आपको बताना है वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है करंट अफेयर में कवर किया हुआ है। 4 प्रोडक्ट अब तक दोस्तों लद्दाख के GI टैग मिल चुके हैं, चौथा जो था लास्ट वो कौन सा था वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगला सवाल। अब देखिए, आप पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ जो है द पावर ऑफ लेंस, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लेंस की क्षमता की इकाई है? डायप्टर, मीटर, न्यूटन और पास्कल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहां आप कह रहे हैं डायप्टर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं नम्रता जी, बिल्कुल आप करेक्ट आंसर कह रहे हैं, लेकिन वो होमवर्क लिख लीजिए, प्रियांशी जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डायप्टर हो जाएगा। मीटर जो है दोस्तों ये किसकी होती है यूनिट? ये दूरी की होती है, दूरी की, ठीक है। न्यूटन किसकी होती है? तो ये बल की यूनिट होती है, मतलब फोर्स की यूनिट होती है। पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की, मतलब प्रेशर की यूनिट है, ये याद रखेगा। कई बार आपसे पूछ लेते हैं विद्युत धारा की, किसकी? विद्युत धारा की जो है, विद्युत धारा की जो है यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है, एम्पियर, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे, बताइए यूनिट आपको पूछ लेंगे, किसी किसी भी यूनिट को आपको अच्छे से आंसर करना है। जैसे आपसे पूछा गया है यहाँ पे लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी जो है यूनिट है, प्रकाश वर्ष की, तो ये भी जो है दूरी की, दूरी की जो है यूनिट है, ठीक है, माप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से क्या एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य होता है? क्या वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन या ऑल ऑफ दीस? फटाफट से बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोग कह रहे हैं ऑल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, RBI जो होता है, कौन? अगर मैं RBI की बात करता हूं तो ये तो दोस्तों केंद्र बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। बाकी जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो वो कौन से बैंक है आपके? कमर्शियल बैंक है।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्म होने पर सबसे अधिक प्रसार करेगा? वॉटर, एल्कोहल, ग्लास और एयर, किसको आप गर्म करोगे तो सबसे ज्यादा जो है फैलेगा, ये पूछ लिया गया है। यस, आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है 1935 में जो है कोलकाता से हटाकर, सॉरी 1937 में कोलकाता से हटा के मुंबई कर दिया गया था, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा एयर, एयर करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो क्या एयर है? जी हाँ। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जब हम स्वेटर पहनते हैं, क्या पहनते हैं? स्वेटर, ठीक है। आप लोगों ने स्वेटर देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, देखा क्या होगा, यूज भी कर रहे होंगे। स्वेटर में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है दोस्तों ठंड नहीं लगती है बल्कि गर्म लगता है। अब आखिर दोस्तों ऐसा क्या होता है दोस्तों स्वेटर में, क्या स्वेटर जो है दोस्तों तापमान बढ़ाती है बॉडी का, या फिर ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से जो है आपको गर्मी लगती है? तो सिंपल सा वहां पे दोस्तों फंडा ये है कि हमारा जो दोस्तों शरीर है वो हमेशा जो है दोस्तों क्या करेगा कि तापमान, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक ऊर्जा जो है निकालेगा, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और वो ऊर्जा कौन सी होगी, वो दोस्तों हीट एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी जो है दोस्तों हमारे शरीर से बाहर आ रही है, लेकिन स्वेटर में जो छिद्र है उसमें जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ एयर, वायु फंसी हुई है, और वायु जो है दोस्तों ये सबसे खराब होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से जो है दोस्तों अंदर की जो है दोस्तों हीट बाहर नहीं आ पाती है और आपको लगता है कि गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए थोड़ा सा दोस्तों हट के कॉन्सेप्ट, बट हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, ओम है, हर्ट्ज है, वोल्ट है, जूल है, क्या है? फटाफट से सभी लोग बता देंगे। ठीक है, जो लोग यहां पे कह रहे सर हर्ट्ज हर्ट्ज, तो उनका यहां पे करेक्ट हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ओम किसकी यूनिट है दोस्तों, तो ये है रेजिस्टेंस की यूनिट, किसकी है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। वोल्ट किसकी यूनिट है, ये वोल्टेज की है, किसकी है, वोल्टेज की है। और जूल किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की है, ठीक है, एनर्जी कह लीजिए, हीट कह लीजिए, वर्क कह लीजिए, ठीक है, तो ये सबकी यूनिट है जूल, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, देखिए कोयले का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, क्या वो लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है और पीट है। दोस्तों 215 लोग लाइव है, फटाफट से 250 के ऊपर लेके चलेंगे। यहाँ पे कह रहे जो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर मैं कोयल की बात करता हूँ, कोयला की बात करता हूँ, तो कोयला भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, झारिया जिला में, कहाँ पे मिलता है, झारिया जिला में मिलता है, और झारिया जिला जो है वो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, कहाँ पे, झारखंड में। कोयले को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, देखिए तीन प्रकार के व्यक्ति होते, राइट, तीन प्रकार के, एक सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, पढ़ने वाला मतलब जिसके दोस्तों यहाँ पे 92 के ऊपर परसेंट आए, 90 के ऊपर परसेंट आए, तो एंथ्रासाइट, देखिए एंथ्रासाइट जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है, ठीक है, एंथ्रासाइट, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके जो है 90 के ऊपर के जो है प्रतिशत बनते हैं, मतलब 90% से ज्यादा आपको इसमें क्या मिलेगा, कार्बन मिल जाता है, ठीक है, कार्बन मिल जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है, वो होता है दोस्तों मीडियम, मतलब दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ने वाला, जैसे कि अपन लोग, नहीं बोले सर आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, दोस्तों आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आप तो 90 वाले में हो, आप लोग एंथ्रासाइट हो, ठीक है, पीठ थोड़ी हो। देखिए फिर जो है दोस्तों मीडियम, मीडियम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिटुमिनस, क्या कहते हैं, बिटुमिनस कहते हैं, और बिटुमिनस जो है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा, और आपको पता है दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो मीडियम होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में, वो बिटुमिनस है, और इसमें दोस्तों आपको 75, देखिए 65 से लेके 75% तक का कार्बन मिलता है। और जो दोस्तों सबसे खराब होता है, जो सबसे पिटता है, ठीक है, जिसको पीट पीट के क्या किया जाता है, उसके टीचर भी पीटे, उसके भाई बहन भी पीटे, मम्मी पापा भी पीटे, सब पीटे, तो वो होता है दोस्तों सबसे बेकार, जो 33% मार्क्स भी नहीं ला पाता है, ठीक है। सर पीट पीट के एंथ्रासाइट बनाया जा सकता है? पीट पीट के एंथ्रासाइट नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। अगर देखिए अगर आपके अंदर एंथ्रास, देखिए पीट को खुद पता चल जाए ना कि मैं बेकार हूं लेकिन मुझे अच्छा बनना है, तो वो एंथ्रासाइट बनने की कोशिश कर सकता है, कार्बन कंटेंट ले ले तो वो बन जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है, मतलब नॉलेज ले ले तो बन जाओगे आप एंथ्रासाइट, है ना। अच्छा
पीट जो है सबसे बेकार, क्यों सबसे बेकार, 33% से भी कम, सब ठीक है, सबसे बेकार क्यों, क्योंकि सबसे कम जो है इसमें कार्बन मिलता है, 33% से भी कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ नहीं देखिए खराब कोई नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कभी अपने आप को देखिए गलत मत कहिए, हंसी मजाक में आप लोगों ने कह दिया ठीक है दैट इज फाइन, बट आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। और देखिए कई बार डर जाते हैं लोग, मैंने देखा कि जब जीके का पेपर अच्छा नहीं आता ना, पता क्या कहते हैं कि सर हम तो इतना पढ़ के गए थे हमारा बन, अरे आपका पेपर नहीं बना या सबका पेपर नहीं बना, पहले डिसाइड करिए, सबका पेपर अच्छा गया आपका नहीं गया तो इसका मतलब दिक्कत है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अगर सबका नहीं अच्छा गया इसका मतलब टफ आ गया पेपर, ठीक है, मतलब जो हमने सिलेबस था उस सिलेबस से बाहर दिया है पेपर, तो डरना नहीं है, आपको भरोसा करना है। कई बार मेरे पास आते सर हमने ये पढ़ा था नहीं आया, अरे नहीं आया कोई बात नहीं, आपने जो ये क्वेश्चन है एकदम करेक्ट किए, 25 में से 15 भी करो करेक्ट करो, लेकिन ठीक है। हाँ बाबू चक्कर का भैया है भाई, वाह किसका है, ठीक है बाबू का चक्कर है बाबू भैया, अच्छा वाह बहुत बढ़िया। अगला सवाल, Which of the following atoms has 2 electrons and 2 protons? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन एटम, पोटेशियम एटम, मैग्नीशियम एटम और हीलियम एटम। सिंपल सा सवाल, जल्दी जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताइए। यहां पे कह रहे हैं ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम एटम, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे ठीक है, रैपिड फायर फटाफट से। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो है भारत में राज्य का नाम बताइए, पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए फटाफट से। वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम मिलेगी, 16 से 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, The 13th edition of the India and the joint exercise the Vajra Prahar जो है culminated at the Backlore in Himachal Pradesh on 28th August 2022. भारत और डैश संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बैकलो में संपन्न हुआ। USA, फ्रांस, जर्मनी और जापान भारत वज्र प्रहार किसके साथ करता है, जल्दी से बताइए यहाँ पे, ठीक है बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए, रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोवरेन, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे याद रखिएगा सेकुलर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देखिए वर्ड से याद आया दोस्तों, हर साल वर्ड ऑफ द ईयर निकलता है, ठीक है, इस बार 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इन्होंने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर दिया था, तो हेलुसिनेशन, क्या दिया गया था, हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मरियम वेबस्टर के द्वारा, मरियम वेबस्टर भी एक डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर के द्वारा कौन सा दिया गया था, तो आप लोग कहेंगे ऑथेंटिक, क्या कहेंगे, ऑथेंटिक, ठीक है। ये शब्द जो है दोस्तों, ये शब्द वर्ष का शब्द दिया गया है। और फिर उसके बाद ऑक्सफर्ड ने कौन सा दिया है, ऑक्सफर्ड ने, तो ये ऑक्सफर्ड ने कौन सा दिया है, ये सब लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कह रहे ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी, रेगुलेशन एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 और द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813, क्या होगा करेक्ट आंसर, 224 लोग हैं, फटाफट से लाइक और शेयर करते हैं। यस प्रियांशी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि ऑक्सफर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, लेकिन आपको अभी ये आंसर करना है, करेक्ट आंसर जो होगा 1773, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल कि रिट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज एक्सरसाइज्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय के रिट जो है क्षेत्र अधिकार का प्रयोग किया जाता है, 32, 346, 226 और 21, क्या होगा करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए, ठीक है।
यहाँ पे कैसे होना चाहिए 226 226, तो जो लोग 226 कह रहे उनका करेक्ट आंसर होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता तो हम लोग अनुच्छेद 32 टिक लगाते, लेकिन हमसे उच्च न्यायालय पूछा था इसलिए अनुच्छेद 226 टिक लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कर्क रेखा पास गुजरती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। जो दोस्तों कर्क रेखा है ये दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है, और इनमें से कौन से राज्य से होकर जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जी हाँ, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर झारखंड, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कुतुब मीनार वॉज ओरिजिनली 4 स्टोरेड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रेज द हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर बाय एडिंग द 5th स्टोरी। ये कह रहे हैं दोस्तों जो कुतुब मीनार है वो 4 मंजिला दोस्तों इमारत थी, लेकिन उसमें 5वां मंजिल किसके द्वारा जोड़ा गया ये आपको बताना है। क्या वो बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, 5वां किसने जोड़ा था ये सभी लोग बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, जो लोग यहाँ पर कह रहे सर ऑप्शन नंबर 4 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1199 में कुतुब मीनार बनवाना शुरू हुआ था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाना शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन 1212 में ये पूरा हुआ था, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर उसके बाद जो 5वीं दोस्तों मंजिल उस पर जोड़ी गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? करें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन, मोहम्मद बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों खिलजी वंश के थे, खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर 1320 तक राज किया था, और ये दोस्तों खुद को सिकंदर सहनी कहता था, खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, और इसने जो है दोस्तों मदीरा पान को बंद कराया था, मदीरा पान मतलब एल्कोहल को जो है बैन कर दिया था। ये क्वेश्चन आपके ऐसे थी सीजीएल में पूछा गया था कि बताइए किस दिल्ली जो है सुल्तान ने मदीरा पान बंद करवाया। ठीक है, अच्छा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कंफ्यूज माइंड स्टोरी, कंफ्यूज माइंड स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है, पवन पिलाल, साहिल सेठ, डॉक्टर आशुतोष राराविकर और फैसल फारूकी, करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल साहिल सेठ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों एवरी ईयर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इज रिलीज बाय, ये लास्ट है दोस्तों, ये होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क में आप करिएगा आंसर। ठीक है, हर साल जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, ओ हो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने वो सारे सवाल किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस क्लास की जो है पीडीएफ वो सब आपको कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले तो क्लास का ये टाइम नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग को नहीं पता है वो टाइम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 6:00 करंट अफेयर की क्लास होती है, 7:15 सुबह एसएससी एमटीएस की क्लास, ठीक है, 8:30 मास्टर क्लास, 2:00 दोपहर को एसएससी जीडी की क्लास होती है, इनमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप दोस्तों कोर्स को अवेल करते हैं और वहां पर दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, और जो है प्रैक्टिस के लिए रिविजन के लिए आपको यहाँ पे पीडीएफ दिए जाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड का इस्तेमाल करना है गौरव एम GAURAVM, और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना है @गौरव सर टेक्स्ट बुक, जहां पर आपको एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, सारे जो है दोस्तों पीडीएफ और क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहीं पे मिल जाता है। और सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस सैटरडे जो है आपको कौन सी क्लास चाहिए, सैटरडे संडे, तो हम लोग प्लान करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सेशन लेकर आए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है दोस्तों सैटरडे संडे जो है किन टॉपिक्स पे या फिर किन सब्जेक्ट में या किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, वो अपन कोशिश यहाँ पर पूरी करेंगे। ठीक है, अच्छा, कोर्स को अवेल करने के लिए सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे उधर पे, और वहां पे आपको क्या करना है, गौरव एम कूपन कोड यूज करके जो है डिस्काउंट ले लेना है और तैयारी शुरू कर देना है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ, जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।